तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ लेटेस्ट एंड अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि बीएसएफ में आने वाले समय में अभी और भी बहुत प्रकार के रिक्रूटमेंट निकलने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इस बीएसएफ में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को जरूर से देखें और ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको हम कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी कितने मिलेंगे, तमाम जानकारी यहाँ पे देंगे आपको। तो कंप्लीट वीडियोस पे बने रहिएगा। तो आइए वीडियोस की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स बीएसएफ के रिगार्डिंग क्या क्या हैं, सभी तमाम प्रकार के वैकेंसियों के रिगार्डिंग। यहाँ पे बता दें कि इंपॉर्टेंट डेट्स होगा वो एप्लीकेशन का जो बिगिन होगा, वो आपको सभी चीज़ों को अभी तुरंत बताया जाएगा। और आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को बताने से पहले एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दें कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपीज़ का फ़ी देना पड़ेगा और बाद बाकी सारे कैटेगरी को किसी प्रकार के कोई पेमेंट, कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होगी। बात करते हैं यहाँ पे कि जो पोस्ट है आपका वो कौन सा पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट जो हम स्टार्ट करते हैं सी टी 2023, जिसमें कि आपका ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर से आएगा, यह एडवर्टीजमेंट नंबर है जिसमें कि आपका कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन 2023 का पोस्ट है, जिसमें कि 1284 का पोस्ट निकला है इतने टोटल पोस्ट पर। और लास्ट डेट जो है इसका वो 27/3/2023 है, ठीक है। 27/3/2023 तक आपको इस कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन के रिगार्डिंग सारे पोस्ट को भर देना है, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप क्लिक कर करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन को हम आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बात करते हैं दूसरा पोस्ट जो है हमारा, वो वाटर विंग्स के रिगार्डिंग है, जिसमें कि आपको एसआई मास्टर और एसआई इंजन ड्राइवर, एसआई वर्कशॉप, ये तमाम पोस्ट पे है, जिसमें कि 127 पोस्ट है और इसका लास्ट डेट जो है वो 27/3/2023 है, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि एयर विंग के रिगार्डिंग जो है आपका वो अब इसमें 51 पोस्ट पे निकाला गया है वैकेंसी, इसका लास्ट डेट 20/3/2023 है। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएसएफ में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस तमाम लास्ट डेट को देखकर और जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके अनुसार अपना यहाँ पर जिस चीज़ के एलिजिबल हैं उसको वहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे। बात करते हैं ग्रुप बी में जो कॉस्मेटिस्ट है उनसे इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट एसआई वर्क जेई एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए 23 पोस्ट निकाला गया है, 14/3/2023 तक इसका लास्ट डेट है। ग्रुप सी इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग पोस्ट है यहाँ पे, इसमें कि आपका ऑपरेटर है, कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर है, मैकेनिक है, लाइनमैन है, इसके 40 पोस्ट हैं और 14/3/2023 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं ग्रुप सी ग्रुप एंड बी कंबाइंड के रिगार्डिंग कुछ पोस्ट हैं, जिसमें कि आपको बताना चाहेंगे कि 18 पोस्ट हैं और 13/3/2023 इसका लास्ट डेट है। ग्रुप बी सी कंबाइंड जिसमें कि स्टाफ नर्स, डेंटल टेक्नीशियन, लेबोरेशियन टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है और इसमें टोटल 64 पोस्ट है और 13/3/2023 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेटनरी स्टाफ के रिगार्डिंग आपका जो लास्ट डेट है वो कितना है, 26/3/2023 है। और बीएसएफ प्रिंटिंग के रिगार्डिंग आपका 5 पोस्ट है और 6/3/2023 है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके टोटल पोस्ट हैं और यहाँ पे हमने आपको तमाम जो भी जानकारी है देने का यहाँ पर प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि किसी एक का यदि हम आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाना चाहें कि नोटिफिकेशन में क्या है उसकी तमाम जानकारी है, तो थोड़ा सा आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। फिर आप तमाम जितने भी प्रकार के पोस्ट हमने आपको बताया है सभी के आप बगल में जो नोटिफिकेशन के बारे में दिया जा रहा है क्लिक करके उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये जो आपके ग्रुप सी सी के रिगार्डिंग ग्रुप सी इंजीनियरिंग का जो पोस्ट था उसमें आपको क्या क्या पोस्ट हैं, तो उसमें जो होंगे आपके ये इस प्रकार के उसमें आपके पोस्ट होंगे, जैसे कि एएसआई होगा ड्राफ्टमैन और फिर पंप ऑपरेटर, कॉन्स्टेबल ऑपरेटर, कॉन्स्टेबल मैकेनिक और कॉन्स्टेबल लाइनमैन, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एज लिमिट यहाँ से दिया गया है 18 से 25 ईयर, तो आप यहाँ पर एज रिलेक्सेशन को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको बताना चाहेंगे कि इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखिएगा यहाँ पर कि एएसआई ड्राफ्टमैन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, फिर डिप्लोमा होना चाहिए, फिर दूसरा में मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर तीसरा में मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसी प्रकार के आपके आईटीआई के ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर कॉन्स्टेबल में भी उसी प्रकार से है और कॉन्स्टेबल लाइनमैन में भी उसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड में भी यहाँ पर आप हर कुछ को पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो रिटेन एग्जामिनेशन होंगे वो कैसे कैसे होंगे, तो फर्स्ट पेज के रिटेन एग्जामिनेशन में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20-20 और आपके टेक्निकल जो भी पार्ट होंगे उससे 60 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के आपके नंबर 100 नंबर भी उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन 2 आवर होगा, ठीक है। फिर रिटेन एग्जामिनेशन के बाद क्या होंगे आपका टाइप 2 का यानी फेज 2 का रिटेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये किसके लिए, ये आपके सब देखिए कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो है वो रीजनल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है और नीचे वाला जो है वो इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, ठीक है। और ये सभी होने के बाद सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और सेकेंड फेज के एग्जामिनेशन होने के बाद स्टूडेंट
सेकेंड फेज के एग्जामिनेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सेकेंड फेज में क्या होगा, तो सेकेंड फेज में PST होगा, ठीक है, और PST कह सकते हैं, और सेकेंड फेज में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, इस प्रकार से सारे चीज़ों को, जितने भी आपके फॉर्म यहाँ पे दिए गए थे, जितने भी प्रकार के पोस्ट हमने आपको बताया है, सारे को कंप्लीट देखिएगा और उनके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसके बारे में जानकारी लीजिएगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।